दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूँ एक बिल्कुल ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल एक नई सीरीज़, जो पहला एपिसोड है आज इस नई सीरीज़ का। तो इस आज हम खेलने वाले हैं पॉकीमोन ऐश गैरी वर्जन। दोस्तों बहुत बढ़िया और पूरा बेस्ड है ऐश की स्टोरी के ऊपर। तो दोस्तों सारे एपिसोड देखना, आज पहला एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एपिसोड को। तो इस तरीके से हमें शुरुआत होती है, ये बताता है कि आप पहले टाउन में 10 साल के हो चुके हैं, आपको लाइसेंस मिल चुका है और यहाँ के प्रोफेसर ओक हैं जो आपको लाइसेंस दे रहे हैं पॉकीमोन की जर्नी के लिए, और आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। ये हैं प्रोफेसर ओक, ये बता रहे हैं कि मेरा नाम प्रोफेसर ओकमोन है, पॉकीमोन के बारे में बता रहे हैं, वो सब हमें पता ही है सब पहले से ही। अब पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। तो नाम दोस्तों सबसे पहले हमें पता ही है कौन है, तो ये हमारा ऐश भाई है, तो इनका नाम होना चाहिए ऐश। तो यहाँ पर ऐश डाल देते हैं, ओ नो गलत हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इनका नाम है ऐश और ओके कर दिया यहाँ पे ऐश। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि ये ग्रैंडसन है ओके, तो ग्रैंडसन मतलब यहाँ पोते हैं, तो इनका नाम तो हमें पता ही है गैरी है, तो यहाँ पे गैरी ओके। और उसके बाद बस हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, और नीचे जाने से पहले मॉम कह दिए कि 11 बज चुके हैं तो हमें सोने जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पजामा पहनने के लिए कह रहे हैं, तो पजामा ठीक है। पॉकी बॉल, अरे पॉकी बॉल में पजामा रख रखा है यार, चलिए कोई बात नहीं, पॉकीमोन में पजामा रखो कहीं भी रखो। तो यहाँ सोने का टाइम हो चुका है, तो ये सपना देख रहा है, तीनों पॉकीमोन के बारे में सपना देखा है इसने। और सपना पूरा होने के बाद अब चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे जाने के बाद यहाँ पे ये है रास्ता बाहर जाने का, तो इधर से चलते हैं कहीं बाहर की तरफ। बाहर जाने के बाद यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आ गया गैरी। तो दोस्तों गैरी आ गया है यहाँ पे, और गैरी ने क्या कह रहा है कि वो तो यार तो बहुत ज़्यादा लेट उठ हो और ये है, तो उसको चिढ़ा के गया पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं क्या हिसाब है। तो ऊपर यहाँ पे हमारे प्रोफेसर ओक खड़े हैं, तो प्रोफेसर ओक से मैं बात करता हूँ क्या बात हो गई है। तो प्रोफेसर ओक ने कहा कि तुम अपना एक पॉकीमोन चुन लो, तो यहाँ पे स्क्वाट लिटिल है, चलो इसे ही चुन लेते हैं। पर यार ये तो ये खाली है, वही ऐश की जर्नी की तरह कि हमें तीनों पॉकीमोन खाली मिलेंगे और सारे के सारे ले जा चुके हैं क्योंकि हम लेट हो चुके थे। यहाँ पे हमारे तीनों पॉकीमोन के यहाँ पे खाली हैं, तो कोई नहीं, चलो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या बात हो गई यार। और यहाँ पे पिकाचू बचा है, तो पिकाचू कोई बात नहीं, हम अब पिकाचू को ले लेते हैं क्योंकि जर्नी तो यार इसके साथ ही स्टार्ट होनी है। कोई नहीं, इन्हें बताया ये इलेक्ट्रीफाई पॉकीमोन ने पॉकी डेक्स दे दिया है यहाँ पे हमें, तो पॉकी डेक्स और पॉकी बॉल्स मिल चुके हैं यहाँ पे हमें। तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो नीचे जाते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ बैक में देखते हैं क्या है। ओ बैक में यहाँ पे पॉकीमोन पल रहे हैं सारे, यहाँ पे काफ़ी सारे पॉकीमोन। चले बाहर चलते हैं यहाँ पे, तो बाहर जाती हैं, यहाँ मॉम खड़ी हैं ऐश की। तो यहाँ पे इन्होंने ठीक है, उन्हें बड़ा प्राउड हो रहा है अपने बच्चे पे, रनिंग शूज़ दिए हैं इन्होंने, टाउन का मैप दिया है। और बाहर क्यों निकल के आ गया, चलो अंदर चले गए। यहाँ ऐश ने अपनी टोपी पहनी है और बाहर निकलते हैं। ये है, ये दोस्तों पहले टाउन है, और पहले टाउन से अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये है रूट नंबर वन पे आ चुके हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमें पीजी दिख गया है यहाँ पे। तो वही पॉकीमोन की जर्नी की तरह यहाँ पे पीजी दिख गया, और जैसे ही मैंने पिकाचू को निकाला, पिकाचू यहाँ से बाहर निकल गया। और ये आता क्यों नहीं बाहर, इसके चक्कर में मैं निकलो। और यहाँ पे स्पैरो आ चुका है, स्पैरो से यहाँ पे हमारी लड़ाई हो रही है, और ये थंडर शॉक देता हूँ इसे मैं। ओ भाई साहब, पहली थंडर शॉक में ख़त्म, दो थंडर शॉक में भाई साहब इसने ख़त्म कर दिया इसे। और यहाँ इतने सारे पीजी और आ चुके हैं, तो पीजी कह रहा हूँ मैं, स्पैरो, ये स्पैरो का पूरा एरिया उसे भरा हुआ है। तो यहाँ से हमें जल्दी से बस कट लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पिटाई होने वाली है अच्छे से, अगर हम चुपचाप निकल लो बस यहाँ से। तो यहाँ से मैं जल्दी से चुपचाप निकलता हूँ, और यहाँ से निकलने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पेड़ है, तो बाहर की तरफ चलते हैं। यस स्विम, और स्विम होने के बाद यहाँ पे हमें मिलती है मिस्टी से, यहाँ पे बात होती है जैसे कि पहली की तरह होता है कि यहाँ पे पिकाचू को स्पैरो ने हर्ट कर दिया, काफ़ी सारे चार स्पैरो उस पर चढ़ चुके थे। तो यहाँ पे इससे ये बात कर रहा है कुछ इस तरीके से कि मुझे आपकी किल चाहिए थोड़ी देर के लिए, मेरा पिकाचू बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम निकलते हैं, और यहाँ पे निकलने के बाद ये सामने फिर से आ चुके हैं, और ये यहाँ से निकलना है। ऐश ने पिकाचू फिर से छोड़ा है एक और बार, अब देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे ये पूरा कह रहा है कि हम डिफीट कर देंगे, कम बैक। पिकाचू बाहर आ चुका है, और पिकाचू चार्ज हो रहा है पूरी तरीके से, और पिकाचू ने यहाँ पे थंडर शॉक दिया और पूरे के पूरे यहाँ पे उड़ चुके हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे आ चुका है हो, ये हो है लेजेंडरी पॉकीमोन है, जैसे कि आपने देखा होगा पॉकीमोन की स्टोरी में। तो ये लेजेंडमोन हो है और यहाँ आ चुका है। तो यहाँ से हम जल्दी से अब हमें जाना है निकलते हुए। तो यहाँ पे ये वेरिडियन सिटी आ चुकी है, वेरिडियन सिटी की यहाँ पे गाइड है, तो ये गाइड हमें बता रही है कि वेरिडियन सिटी है ये यहाँ पे। तो ये पॉकीमोन सेंटर है, तो यहाँ पे जो भी इंजन पॉकीमोन होता है वो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे पॉकीमोन सेंटर बहुत सही है मतलब अपने पॉकीमोन को ट्रेन करने के लिए। यहाँ पे मिस्ट्री आ चुकी है, वो पूछ रही है हमारी बाइक कहाँ, तुमने मेरी बाइक क्यों डिस्ट्रॉय कर दी। तो चलिए यहाँ से ही निकल गई यहाँ से, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो इन्होंने मेरा पॉकीमोन हील कर दिया है यहाँ पे इस जगह पे, तो मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से। बाहर निकलने से पहले यहाँ पे ये दो पॉकीमोन आ चुके हैं, एकेंस और कॉफिन, कॉफिन और एकेंस, और टीम रॉकेट आ चुके हैं यहाँ पे। ओ नो,
अब यार ये टीम रॉकेट उंगलबाजी करेगी खामा खा की। अब टीम रॉकेट से फाइट होने वाली है हमारे पिकाचू की, पिकाचू की फाइट है यहाँ पे तगड़ी वाली। देखते हैं ये बता रहा है हमें कि इस तरीके से, तो इन्हें ठंडा शॉक देता हूँ। पहले ठंडा शॉक में काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे, और ये दो ठंडा शॉक से पैरालाइज होगा, तीसरे ठंडा शॉक में एकेंस ख़त्म हो चुका है। कॉफिन की बारी आती है, कॉफिन में ये कॉफिन समझ लीजिए पॉइजन वाला पोकेमोन है, और इस सिलेंडर से हमें पॉइजन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पॉइजन आ चुका है मेरे पिकाचू चुप लिख के। तो यहाँ पे टीम रॉकेट हार चुकी है, और जीतने के $300 मिले हैं मेरे को। तो यहाँ पे मैं अपने पिकाचू को हील करता हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे टाउन मैप, ये पूरा टाउन मैप है यहाँ पे, यहाँ ओकेंटोस ओशियन है, और काफ़ी सारी और एरियाज़ हैं, जैसे कि मतलब कैरेबियन सिटी, हिडन विलेज, पूरा मतलब एक तरीके से पिकाचू का शहर समझ लीजिए, जो पिकाचू में आपको जो गेम में मिलता है उस तरीके का है। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे बुड्ढे बाबा बैठे हैं। तो यहाँ पे पीसी है हमारे, यहाँ पे हम पोकेमोन रख सकते हैं ओकी लैब से, और यहाँ पे ये बाहर निकलते हैं यहाँ से हम बाहर। चलिए दोस्तों अब सेकेंड रूट होने वाला है हमारा यहाँ से, रूट नंबर टू। वेरिडियन सिटी हमारी पूरी हो चुकी है, यहाँ से अब रूट नंबर टू पे जाना है दोस्तों। रूट नंबर टू के एपिसोड देखने के लिए तैयार रहना, सेकंड एपिसोड में मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।